अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी, यहाँ पर जो है मैं न्यू व्लॉग जो है आप लोगों के लिए ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी आज ढाबा स्टाइल में माश की दाल। लेकिन उससे पहले ये कि जो कह रहे थे कि यार आप जो है कराची से बाहर रहती हैं, तो यार मैं कराची से बाहर नहीं रहती हूँ। यहाँ पर जो अचानक से मौसम जो है बहुत ही तंग वाला होने लग गया था और बारिश जो है ना धमाकेदार शुरू हो चुकी थी, बिजलियों के साथ कड़कती हुई। और यहाँ पर जो है दूसरे दिन जो है जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत ही टाइट वाली भूख लग रही थी। तो मैंने अपने लिए जो है ना पराठा बनाया, और ये आलू जो है ना ये भी मैंने उसी टाइम बनाए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे अपने हस्बैंड को लंच देना था तो उसके लिए मैंने तैयार किया। सो मैंने भी ये खाए, तो बहुत ही मतलब बहुत ही जल्दी मैंने बहुत ही कम टाइम में ना बहुत ही मज़ेदार से ये बन गए थे मेरे। इसके बाद फारिग होने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो है ना सर में तेल की मालिश कर लूं, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना तेल को मैंने छुआ भी नहीं था। यहाँ पर जो है मैं बैठ गई थी, और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सोचा था कि दो तीन तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि माश की दाल किस तरह से बनती है, लेकिन मज़ीद वीडियो जो है ना मैं बना ही नहीं पाई। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल को सबसे पहले आपने करना है गरम, क्योंकि अक्सर ये होता है हम ठंडे ऑयल में कोई भी चीज़ डालते हैं ना तो जो तेल की जो कचान है ना वो आती है। इसलिए आपको गरम तेल के अंदर जो है ना प्याज डालनी है, और साथ ही मैंने ले लिए थे टमाटर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने प्याज को करनी है ब्राउन, क्योंकि हमारी जितनी अच्छी प्याज ब्राउन होगी ना तो हमारी दाल में इतना ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और यहाँ पर ब्राउन होने के बाद जो है मैंने इसके अंदर ना मसाले डाल दिए थे, और मैंने इसको 5 मिनट के लिए जो है मैं इसको ढकूँगी, जिसकी वजह से ये टमाटर जो है थोड़ा अपने छिलके जो है वो छोड़ देगा। साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया था। धनिया पाउडर से ये होता है कि ना मसाला अच्छा हो जाता है, और इसको भूनना बहुत पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं भूनेंगे तो उसकी कचान जो है ना वो रह जाएगी। तो यहाँ पर ये कोई इतनी इजी रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी है, और कोई मतलब बहुत ही जल्द बनने वाली है, मतलब 5 मिनट के अंदर जो है ना ये तैयार हो जाएगी। कभी आपका दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं हो रहा हो कुछ बनाने का, तो ये आप बहुत ही ईजी बना सकते हैं। और मतलब ऐसी होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर में बनी है, बिल्कुल लगेगा कि यार बाहर से ही आई है। तो बिल्कुल वैसे ही बना रहे हो। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो भी डाल दिया। जैसे ही मेरा मसाला मैंने भुना, उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डाल दी है अपनी दाल, और दाल के बाद जो है मुझे अंदाज़ा है 2 ग्लास जो है पानी उसमें जो है ना कि बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पर जो है ना मैंने पानी भी इतना ही डाल दिया था, और ये इसी के अंदर जो है ना बड़ी ही कोई मज़ेदार सी बन के तैयार हो के आ जाएगी। और आखिर में आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना धनिया डालना है, और इस तरह से अदरक जो है ना काट के डालनी है, क्योंकि अदरक जो है ना किसी किसी खाने में बहुत ही मज़े वाला स्वाद देती है। यहाँ पर जो है मैंने अपने बेटे के सूट प्रेस करके रख दिया था, क्योंकि उनका जो है ना स्कूल में इफ्तार डे मनाया जा रहा है। सो रात के 12 बजे जो है ना मेरे कोई चने जो है ना बॉयल हो रहे थे, उसका चूल्हा मैंने कोई 12 बजे बंद किया है, क्योंकि उनको जो है मुझे सुबह बना कर देने हैं। यहाँ पर चैज़ेब की सेल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर सेल लगी थी तो यार महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है ना कि लोग इसी तरफ ही मतलब भाग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कोई सस्ती जो है ना सेल लगी थी,